हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एसपी पैंती वाले यूट्यूब चैनल में। तो आई होप सो दोस्तों, आप सभी ने मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा जो था ट्रैवलिंग विद सिस्टर्स। तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग था, अगर जिसने नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिएगा एक बार ट्रैवलिंग विद सिस्टर। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग रहने वाला है, तो आज का ब्लॉग है, आज हम फाइंड कर रहे हैं जो नेस्ट है, जो चिड़िया ने घोंसले डाले होते हैं उनको फाइंड कर रहे हैं। तो दोस्तों जब हमारा बचपन यानी जब हम छोटे छोटे थे, तो उस वक्त क्या होता था, उस वक्त हम जो चिड़िया के घोंसले होते हैं उनको ढूंढने स्पेशली पूरा पूरा दिन लगाते थे। तो आई होप सो आप सभी में से कई लोग होंगे जिनकी ये एक्टिविटी रही होगी। तो दोस्तों जब हम छोटे थे ऐसा नहीं था कि जो चिड़िया ने घोंसले डाले थे हम उनको ख़राब करते थे, ऐसा नहीं था दोस्तों। सिर्फ एक शौक़ होता था कि हमारा ऐसा टारगेट होता था कि किसी बंदे ने कितने घोंसले ढूंढे एक दिन में। तो जो भी चिड़िया के जो छोटे छोटे पक्षी होते थे उनको कोई हार्म नहीं करते थे, कोई हानि नहीं पहुंचाते थे हम उनको। सिर्फ हमारा क्या शौक़ रहता था, देखने का शौक़ रहता था कि किसी चिड़िया ने कहां पर घोंसला डाला है। तो दोस्तों आज उसी पे बेस्ड है अपना फाइंडिंग नेस्ट। तो आई होप सो दोस्तों आप सभी में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको इस ब्लॉग को देख के अपना बचपन याद आ जाए। तो दोस्तों जिसको अपना बचपन याद आए इस ब्लॉग को देख के, कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने ब्लॉग पे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, काफ़ी इन्जॉय करेंगे इस ब्लॉग को। आई होप सो आप सभी इन्जॉय करेंगे इस ब्लॉग को। तो दोस्तों अभी आए हैं हम छोटे भाई के डेरे में, ये है छोटे भाई का बाबा बर्फानी का डेरा। तो दोस्तों ये बंदा है, ये यहाँ पर जो तोते होते हैं उनकी उनसे जो है सेब की रखवाली कर रहा है। तो ये है इसका बगीचा यहाँ पर। तो दोस्तों जैसे हमने अपने ब्लॉग को शुरू किया तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो यहाँ पर कुछ देर यहाँ पर रुक जाते हैं भाई के डेरे पे, तो जब तक बारिश थमती है तब तक यहीं पर रुकते हैं, उसके बाद अपने ब्लॉग में कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों जब ऐसे डेरे में रहना पड़ता है दोस्तों, बंदरों और पक्षियों से सेब की जो रखवाली करनी होती है, तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं। तो मच्छर क्या करते हैं, खून पी जाते हैं सारा। तो मच्छरों से बचने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, भाई ने यहाँ पर बहुत तकड़ी तरकीब सुझाई है। ये है दोस्तों काउडंग केक, यानी ये होता है उपला जो गाय के गोबर से बना होता है, जो गाय का गोबर होता है उससे बना होता है उपला। तो इसको जलाएगा भाई, इससे क्या होता है जो मच्छर है, मच्छर की भनक यहाँ महसूस नहीं होती है, बिल्कुल मच्छर गायब हो जाते हैं। तो भाई इसको जला रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये जल पाए, बिकॉज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मच्छर यहाँ पर अभी है, मच्छरों ने तो बहुत ज़्यादा दुखी कर लिया है। तो दोस्तों ये जला रहा है उपले को, आई होप सो कि जल पाए ये, हम मच्छरों से बच जाए आज। तो भाई बिल्कुल कंसंट्रेट होकर बिल्कुल जला रहे हैं उपले को। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे बहुत बहुत हार्ड रेन हो रही है, बहुत जल चुका है अपना ग्रोस्टा, तो हमने वो बुझा दी है यहाँ पर। तो दोस्तों इसको जो ये उपला है इसको पहाड़ी लैंग्वेज में ग्रोस्टा बोलते हैं। तो काफी ज्यादा रखवाली करता है मच्छरों से हमारी, मच्छर बिल्कुल दूर दूर तक दिखने को नहीं मिलेंगे अभी, इस धुएं से जो है मच्छर दूर दूर तक भाग जाते हैं दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों अपनी हालत यहाँ पर पतली है, बिकॉज जो भाई का टेंट है यहाँ से पानी अंदर आ रहा है, आप देख सकते हैं मेरी पीठ बिल्कुल गीली हो चुकी है। अरे ढंग कर भाई, क्या सीन है यार ये। तो दोस्तों इस टेंट से पानी अंदर आ रहा था, तो छोटे ने जो यहाँ पर एक और टाट था, इसके पास टाट पट्टी था तो ऊपर लगा दिया है। तो दोस्तों बिल्कुल ग्रोस्टा जल रहा है और सामने देख सकते हैं आप पानी बहुत जोरों से चल रहा है। तो दोस्तों जो ब्लॉग था फाइंडिंग नेस्ट, तो बहुत ज़्यादा भीग चुके हैं। तो दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों जो फाइंडिंग नेस्ट जो अपना ब्लॉग था, तो उसका आगाज शुभारंभ बारिश ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया है। तो दोस्तों बारिश के तुरंत बाद हम निकल पड़े हैं ब्लॉग शूट में। तो दोस्तों यहाँ पर जो छोटा भाई है उनके मदर थे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है एक घोंसला डाला है चिड़िया ने। तो आप देख पा रहे होंगे कितने छोटे छोटे से पक्षी है, अभी इनके पंख जो है ढंग से नहीं निकले हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों ये जो बर्ड है
ब्लैक एंड वाइट कलर का जो है मेल बर्ड है, तो जो इनको दाना लेकर आया है अभी। तो दोस्तों जो इनका फीमेल बर्ड है वो भी ऑसम कलर का है, तो जब आएगा तब आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों कितने ऑसम पक्षी दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये जो ब्राउन कलर की है ये है फीमेल बर्ड, तो काफ़ी एक्टिव पक्षी है ये, जो यहीं पर साथ में रहते हैं। जो ये घोंसला है दोस्तों एक खेत के बगल में डाला है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो स्पैरोज है, ये मेरे घर का आंगन है, यहाँ पर जो सुबह सुबह बहुत सारे स्पैरोज आते हैं, बिकॉज जो मेरे फादर है वो सुबह सुबह इनको दाना डालते हैं और उनसे बिल्कुल भी ही नहीं डरते हैं ये। तो जब से मैंने शुरू किया इनको दाना डालना तो मुझसे भी नहीं डरते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब सुबह सुबह ही आते हैं। अगर कभी नहीं आते हैं, बारिश का मौसम होता है तो थोड़ा सा मिसिंग लगता है, दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती है, तो सुबह सुबह हमारी रूटीन बन गई है कि इनको दाना डालना होता है और बहुत सारी नियर बाई 10 to 15 स्पैरोज यहाँ पर आ जाती है। सो गाइस आप देख पा रहे होंगे कि कुछ छोटे पक्षी हैं जो बड़े पक्षियों को दाना खिला रहे हैं, बिकॉज जो छोटे पक्षी हैं वो डर जाते हैं, जो दाना चुगने में डर जाते हैं। सो गाइस आप देख पा रहे हैं जो एक घोंसला है एक चिड़िया ने बनाया है मेरी एप्पल ऑर्चर्ड में। तो दोस्तों अभी चिड़िया घोंसले में बैठी है। तो दोस्तों जो चिड़िया इसने अभी 3 अंडे दिए हैं, आई थिंक सो कि 3 ही अंडे देती है। तो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त अंडे दिख रहे हैं, बहुत ऑसम कलर है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं जो मेरा ऑर्चर्ड है एप्पल ऑर्चर्ड, तो उसमें एक पेड़ में डाला है एक नेस्ट, एक घोंसला डाला है चिड़िया ने, तो उसको आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो ये घोंसले में एक जो, तो दोस्तों ये मेल बर्ड है जो क्या कर रहा है छोटे पक्षी को अभी दाना खिला रहा है। तो जो ये पक्षी है बहुत ज़बरदस्त पक्षी है, बिकॉज ये जो है अपने घोंसले को बिल्कुल भी, यानी अपने जो छोटे छोटे पक्षी हैं उनको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते, जब तक दूसरा पक्षी नहीं आ जाता है तब तक एक पक्षी वहीं पर रहता है। तो बहुत सिक्योर पक्षी है ये, तो अपने जो छोटे पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देते हैं। देखिए जो ये है पक्षी, तो ये है दोस्तों फीमेल, जो फीमेल बर्ड है, तो ये अब वहीं पर रहेगी जब तक दूसरा पक्षी नहीं आएगा। बहुत ज़बरदस्त पक्षी है दोस्तों ये। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है इस ब्लॉग की जो शुरुआत है वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई थी, और उम्मीद नहीं थी कि इसकी क्लोजिंग इतनी ज़बरदस्त तरीके से होगी। तो दोस्तों अभी मैं अपने ऑर्चर्ड में विज़िट कर रहा था, तो मुझे जो तीतर होता है, तीतर पक्षी, उसका जो चूजा मिला है, दिखा भाई, देखिए, तो ये है दोस्तों जो तीतर का जो चूजा पक्षी है, देखिए देखिए बहुत तेज़ होता है ये, देखिए बहुत तेज़ होता है। तो दोस्तों इसका जो मदर थी वो जब मैं आया यहाँ से तो वो भाग गई थी, तो वो अभी इसको ढूंढ रहे होंगे। तो दोस्तों अब हम इसको छोड़ने वाले हैं, भाग गया। तो आई होप सो दोस्तों आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एचपी पैंती वाले यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों अगला ब्लॉग आ रहा है कलेक्टिंग फ्रूट्स, तो जो जून मंथ में फ्रूट्स होते हैं उनको कलेक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, यानी एचपी पैंती वाले के साथ। तो तब तक के लिए जय शंकर, जय भोलेनाथ।